और मुजफ्फरनगर के सिसौली किसान भवन में किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र मलिक कई किसान नेताओं के साथ सिसौली पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर सिसौली में 3 दिवसीय बालियान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया, जहां लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फीता काटकर प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहे। कि जयंती है, शुभ अवसर है और ये ऐसी तारीख है जो किसान के दिल में दर्ज है। बहुत लोग लगाव रखते हैं इस परिवार से और जो लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, किसानों के लिए लड़ी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, आज भी वही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए एक संदेश देने को, किसान अपने इतिहास को समझें, अपनी ताकत पहचाने और किसान ही बढ़ें, आपस में ना बटें। 86वां जन्मदिन है, किस तरह से मना रहे हैं? तो हर साल मने, पर इब का कुछ और अच्छी तरह था मना रहे। चोर साहब आ रहे, जयंत जी आ रहे, तो और अच्छा इसमें 4 चांद लग गए और एक या कबड्डी प्रतियोगिता हो रही, जो कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही, तो सब कुछ अच्छा चल रहा, ठीक है। चौधरी साहब के 86वें जन्मदिन पर ये टूर्नामेंट का, 2-3 वर्षों से टूर्नामेंट का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें गौरव और सचिन ये इनकी याद में, और चौधरी साहब का तो जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये कबड्डी का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है सिसौली के अंदर।